सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट। ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दहिया को। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइड्रोफाइट प्लांट्स। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने ज़ेरोफिटिक प्लांट, इससे पहले मैं ज़ेरोफिटिक प्लांट पे वीडियो बना चुका हूं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हाइड्रोफाइट प्लांट्स हैं। तो डिस्कस करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं डिस्कस करूंगा। तो अब हम देखते हैं कि हाइड्रोफाइट प्लांट जो है उसे हम जो है हाइड्रोफाइट जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से मिलके बनी है, जिसका जो है टर्म है यूडोर एंड फाइटोन। यूडोर जो है वाटर से रिलेटेड है एंड फाइटोन जो है प्लांट से है। इसी वजह से इन्हें जो है वाटर प्लांट भी कहा जाता है, या आप इसे एक्वेटिक प्लांट भी कह सकते हैं। तो हाइड्रोफाइट जो होते हैं इस तरह के प्लांट होते हैं जो कि क्या करते हैं, वाटर में ग्रो करते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर जब ये ग्रो करते हैं या दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये वाटर के अंदर पूरी तरीके से वाटर में हो सकते हैं, या ये कुछ इस तरीके से कि वाटर के कुछ पार्ट इनका वाटर के नीचे है और कुछ पार्ट इनका एरियल है, ठीक है, हवा में। तो इस तरह से हाइड्रोफाइट हो सकते हैं। तो हाइड्रोफाइट क्या है, पानी में वाटर के अंदर ग्रो करने वाले प्लांट हैं जो कि पूर्णतः या आंशिक रूप से कंप्लीटली और पार्टली जो है वाटर के अंदर ये हो सकते हैं। अब देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन। जो हाइड्रोफाइट हैं उन्हें क्लासिफाई किया गया है थ्री जो पार्ट है उनके अंदर। क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो ये है कि ये जो प्लांट हैं उनका हवा और पानी से संपर्क किस तरह का है, वाटर एंड एयर से इनका रिलेशन किस तरह का है, इसके बेसिस पे इन्हें थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है इसका सबमर्ज्ड है, सेकेंड पार्ट है फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट एंड थर्ड है एम्फीबियस हाइड्रोफाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट का मीनिंग है कि वाटर की सरफेस है और प्लांट जो है पूरी तरीके से वाटर के नीचे रहेगा, इन प्लांट को क्या कहा जाएगा, सबमर्ज्ड। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट क्या होंगे, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट का मतलब है कि ये जल की सतह पर तैरते हुए होते हैं। तो ये जो है आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे, जल की सतह पर इस तरीके से होंगे और इनका कुछ पार्ट जो है नीचे भी होगा, जैसे कि रूट वगैरह जो है वो आपको नीचे मिल जाएगी। तो इस तरह के जो प्लांट होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। एंड थर्ड जो है वो है एम्फीबियस हाइड्रोफाइट। ये जो हाइड्रोफाइट होते हैं उनका कुछ हिस्सा तो क्या होता है, पानी में होता है और कुछ हिस्सा जो होता है ऊपर होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो प्लांट है उनका कुछ हिस्सा सरफेस से नीचे है और कुछ हिस्सा ऊपर है, इस तरह के प्लांट को क्या कहा जाएगा, एम्फीबियस हाइड्रोफाइट। अब देखते हैं अगेन फर्स्ट से सबमर्ज हाइड्रोफाइट। बिलो वाटर सरफेस है, जैसे कि बताया था सरफेस से नीचे होंगे। ये दो तरीके से हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं, रूटेड हो सकते हैं, फ्री एंड रूटेड। ठीक है, इनका क्या मतलब है, फ्री मतलब मुक्त और रूटेड का मतलब क्या है, वैसे वर्डली मीनिंग देखा जाए तो जुड़े हुए, मतलब जड़ से जो है जड़ित जो है। अब जो है फ्री का मीनिंग जो है, जब हम फ्री टर्म यूज करते हैं, फ्री का मतलब है कि समझ तो है ये प्लांट, ठीक है, समझ तो है, ठीक है, वाटर के सरफेस के नीचे क्या है, ये समझ्ड है, बट जो है इनकी जो रूट है वो फिक्स नहीं है। तो इस तरीके से जो है ये वाटर के अंदर इजीली, वाटर की सरफेस के नीचे इजीली फ्लोट करते रहते हैं। तो इस तरह के प्लांट को फ्री कहा जाता है। एंड रूटेड का मीनिंग जो है वो है कि वाटर की सरफेस के नीचे ही है समझ, बट क्या है, रूटेड है, मतलब एक जगह फिक्स है, तो कहीं आ जा नहीं सकते, बस एक जगह ही रहते हैं। तो इस तरह के जो समझ प्लांट होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, रूटेड हाइड्रोफाइट, रूटेड समझ्ड। ठीक है, तो फ्री समर्ज्ड का फिर से क्या देख लेते हैं, विदाउट रूटेड इन मड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया इनकी रूट जो होगी मड के अंदर नहीं होगी, तो ये फ्री होंगे। इनके एग्जांपल्स हैं किनके, समर्ज्ड, फ्री समर्ज्ड। ठीक है, फ्री समर्ज्ड पानी के नीचे हैं, फ्री हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि फोटो के अंदर देखिए नाजस, जो नाजस आपको दिखाई दे रही है एक ग्लास जार के अंदर है और पूरी तरीके से फ्री है, नीचे भी कोई रूट नहीं है और ऊपर की तरफ सरफेस में भी क्या है, अंदर नीचे ही है। तो सबमर्ज्ड है और फ्री है क्योंकि रूट जो है पानी के अंदर जो कीचड़ है नीचे की तरफ उसमें फिक्स नहीं है, तो क्या है, फ्री है। तो ये एग्जांपल नाजस से आप याद रख सकते हैं, कैसा है, फ्री सबमर्ज्ड। इसी तरीके से यूट्रिकुलेरिया भी देखिए, यूट्रिकुलेरिया वाटर की सरफेस के नीचे होगा। एंड सेरेटोफिलम, ये कुछ एग्जांपल हैं जिनके अंदर आप याद रख सकते हैं, नाजस यूट्रिकुलेरिया एंड सेरेटोफिलम, नाजस यूट्रिकुलेरिया एंड सेरेटोफिलम, नाजस यूट्रिकुलेरिया एंड सेरेटोफिलम, क्या है, फ्री सबमर्ज्ड। नेक्स्ट है रूटेड, रूटेड का मैंने आपको बताया था कि सबमर्ज्ड है और रूटेड होंगे, तो जो जड़ है वो फिक्स होगी, एक जगह रहेंगे, आ जा नहीं सकते,
एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रिला। देखिए आप नीचे जो है फिक्स होगा और जल की वाटर की सरफेस पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ ही है। तो हाइड्रिला है, पोटामोजिटोन है एंड वैली सनेरिया है। हाइड्रिला, पोटामोजिटोन एंड वैली सनेरिया, हाइड्रिला, पोटामोजिटोन एंड वैली सनेरिया, इस तरीके से तीन एग्जाम्पल जो है आप याद रख सकते हैं। और भी है बट ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट होते हैं ये, कुछ एग्जाम में रिपीट भी होते रहते हैं तो हमें ये याद रखने। एंड नेक्स्ट है फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट जैसे कि बताया था कि वाटर की सरफेस के ऊपर जो होते हैं ये होते हैं और इनका कोई रूट वगैरह जो है नीचे रहेगी, तो जल की सतह पर इस तरीके से तैरते हुए रहते हैं, तो इन प्लांट को क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। अब फ्लोटिंग तो है, फ्लोट तो कर रहे हैं, बट इनकी जड़ें जो है नीचे है, तो जड़ें जो होती है फ्री भी हो सकती है और रूटेड भी हो सकती है एक ही जगह, ठीक है। तो ये भी क्या है, फ्री फ्लोटिंग एंड रूटेड फ्लोटिंग है। फ्री फ्लोटिंग के एग्जाम्पल्स आप देखिए फोटो के अंदर, जैसे कि ट्रापा है, तो आपको फ्री फ्लोटिंग का दिमाग में आते ही आपको कुछ एक एग्जाम्पल याद रखने, जैसे कि ट्रापा है, ट्राइंगुलर रीफ लीफ है, वॉल्फिया है, ऐसे आप हाथ डालेंगे तो पूरा का पूरा हाथों पे आ जाता है वॉल्फिया, आईकॉर्निया है, फोटो जो है बोट वाली फोटो सेलेक्ट किए ताकि आपके दिमाग पे रहे, आईकॉर्निया जिसे हम क्या कहते हैं जलकुंभी, तो जल में जो होती है ग्रो, वाटर की सरफेस पे ग्रो करती है, इसमें से बोट जा रही है, बोट से हम ये याद रख सकते हैं कि बोट जा रही है, अगर बोट अगर ये रूटेड होता तो बोट का जाना वहाँ पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो काफ़ी जो है आपस में इंटेंगल हो सकती थी, गुंथ सकती थी, तो इस वजह से जो है इजीली निकलती है, तो इससे हम एक लॉजिक लगा सकते हैं कि जलकुंभी से बोट जो है वो इजीली निकल जाती है, तो इससे क्या मीनिंग निकलता है कि जलकुंभी जल के सतह पर तैरती रहती है बट रूटेड नहीं होती है, उसकी जड़ें जो होती है फ्री होती है, आईकॉर्निया। एंड फर्न है साल्विनिया एंड एजोला, ये दोनों ही फर्न है और ये भी क्या होती है फ्री फ्लोटिंग होती है, साल्विनिया एंड एजोला, साल्विनिया एंड एजोला, एजोला वाटर फर्न है, रूटेड फ्लोटिंग प्लांट, जैसे कि बताया फ्लोट तो कर रहे हैं बट रूटेड है। एग्जाम्पल क्या है, नेलुम्बो, विक्टोरिया रेजिया एंड निम्फिया, काफी फेमस है, जैसे कि आपके दिमाग में आएगा कि जल की सतह पर लोटस जो होते हैं आपने देखे ही होंगे जल की सतह पर रहते हैं, तो आपको आज पता चला कि इनकी जड़ें जो होती है वो नीचे फिक्स होती है, इस तरीके से याद रखना कि जो लोटस होती है उसकी जड़ें फिक्स होती है। लोटस की तरह ही एक काफ़ी सुंदर दिखने वाला और प्लांट है जो कि है विक्टोरिया रेजिया, जिसे वाटर लिली भी कहा जाता है, काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। विक्टोरिया रेजिया को देखने के बाद में आपके दिमाग में एक और फोटो जो है उसके थ्रू भी आप याद रख सकते हैं, अगर आप इसे टर्न करते हैं तो इसकी जो रूट है वो इस तरह से लंबी काफ़ी होती है, तो ये भी क्या होता है रोटेड होता है। तो लोटस, विक्टोरिया रेजिया एंड निम्फिया, ये तीनों ही एग्जाम्पल आपको याद रखने जो कि क्या है रूटेड फ्लोटिंग प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्फीबियस हाइड्रोफाइट, इसमें जैसे कि बताया सम पार्ट जो होगा वो कैसा होगा, नीचे होगा वाटर सरफेस और कुछ पार्ट जो है ऊपर की तरफ होगा। इसके एग्जाम्पल हैं राइस है, मार्सिलिया है, सेजिटेरिया है, पॉलीगोनम है एंड रेननकुलस। रेननकुलस में कौन सा, एक्विटिलस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। राइस काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राइस कैसा है, तो ये एम्फीबियस हाइड्रोफाइट है। मार्सिलिया है, फोटो में देख सकते हैं, सेजिटेरिया जो होती है एरो शेप में होती है इसकी लीफ, उससे आप याद रख सकते हैं। सेजिटेरिया के अंदर दो तरह की लीफ होगी आपको देखने को मिलेगी, तो सेजिटेरिया की जो ऊपर की वाटर की सरफेस पर जो लीफ रहती है वो कैसी रहती है, एरो शेप में रहती है, और नीचे जो होगी पानी की सरफेस के अंदर जिसे वो जो होती है वो क्या होती है, कटेड होती है काफी ज्यादा। पॉलीगोनम है, एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, एंड रेनकुलस एक्विटिलस, ठीक है। अब एम्फीबियस प्लांट में अगर हम देखें तो एम्फीबियस प्लांट जैसे कि बताया कुछ पार्ट इनका वाटर के अंदर होता है, कुछ पार्ट जो होता है ऊपर होता है, ठीक है। एम्फीबियस प्लांट अगर ये नीचे वाला पानी फ्रेश वाटर है तो एम्फीबियस प्लांट ही काउंट होंगे, अगर ये नीचे वाला वाटर जो है, ठीक है, नीचे जो वाटर है वो सलाइन वाटर है, अगर सलाइन वाटर है तो इन प्लांट को क्या कहा जाएगा, हेलोफाइट, ठीक है। इन्हीं एम्फीबियस हाइड्रोफाइट को अलग रखा जाएगा और उन्हें कहा जाएगा हेलोफाइट, ठीक है। तो एम्फीबियस प्लांट की तरह ही होते हैं बट ये सलाइन वाटर में होते हैं, इसलिए हम इनके अलग से स्टडी करते हैं। इनकी जो हेलोफाइट होती है उनकी रूट जो होती है सलाइन वाटर में होगी और बाकी जो पार्ट होता है वो एरियल होता है, ठीक है, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर जो रूट है, ठीक है, एम्फीबियस प्लांट के अंदर ये अगर रूट जो पार्ट है वो अगर कीचड़ में धंसा हुआ है और जो सूट पार्ट है वो पूरा का पूरा हवा में है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है सूट कंप्लीटली एक्सपोज टू एयर, जो सूट जो है वो पूरी तरीके से हवा के संपर्क में है और रूट जो है वो कीचड़ के अंदर धंसी हुई है, तो इस तरह के प्लांट को मार्शी प्लांट कहा जाता है, दलदली पादप,
ठीक है, मार्सी प्लांट, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि सिप्रस है, टाइफा है, एंड्रोमैक्स है। ये एग्जांपल आपको याद करने हैं, फोटो देख लीजिए आप, सिप्रस, टाइफा, एंड्रोमैक्स, ठीक है। इसके साथ में हमारा जो हाइड्रोफाइट प्लांट के बारे में जो इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट होता है। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोफाइट प्लांट के अंदर जो अडेप्टेशंस हैं उन पर।